शाहबाज खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गीता को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। शाहबाज खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गीता को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शाहबाज खान को फांसी दो, फांसी दो। शाहबाज खान को फांसी दो, गीता को इंसाफ दो। शाहबाज खान को फांसी दो, गीता को इंसाफ दो। शाहबाज खान को फांसी दो। नमस्कार, हमारे कप्पा शहर में यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, रमेश चंद जी हैं जो मैरोली के मैरोली जिला के मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और सुनीता देवी जी है जो कप्पा शहर से नगर निगम का चुनाव लड़ी है। तो जैसे हम यहाँ बैनर देख रहे हैं, शाहबाज खान को फांसी दो और गीता को इंसाफ दो, तो हम बात करते हैं रमेश जी से कि जो आप ये कैंडल मार्च निकाल रहे, कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे? हम ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हिंदू धर्म में हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये कोई भी सेफ नहीं है। अभी गाजीपुर के अंदर अभी 8 साल की बच्ची है, अपना हिंदू धर्म की लड़की गीता को अंदर सामने ले जा कर रेप किया, उन शहजाबाद ने उनके चारों में मिलकर रेप किया। अब हम ये बच्ची को ये जागरूक कर रहे हैं, अब इनको फांसी सजा दिलाई जाए। मैडम, जैसे आप मैं देख रहा कैंडल हाथ में ले रहे हो और ये यहाँ बैनर लगे हुए हैं, शाहबाज खान को फांसी दो, गीता को इंसाफ दो, तो ये आप जैसे आप तो एक लेडीज भी हैं और जो छोटे बच्चे आजकल 8 साल के 5 साल के 3 साल के 10 साल के बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने रेप किया है इस बच्ची के साथ, वो चाहे हिंदू धर्म की हो या मुसलमान की हो, बेटी तो बेटी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदे को बीच चौराहे पे लटका के उनको फांसी दो, कि कोई भी ऐसा कुकर्म करने से पहले 10 बार सोचे। हम यही चाहते हैं, हमारी बहन बेटियाँ जब भी घर से निकलती है, जब तक वो घर में वापस नहीं आती है, तब तक हमें यही डर लगा रहता है कि पता नहीं उनके साथ क्या दुर्घटना घटेगी या ठीक से आएगी भी या घर नहीं। हम भी एक बेटी है, हम भी माँ भी हैं, हम औरत हैं, तो औरत यही चाहती है कि उनको इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि गीता को इंसाफ मिले। मेरा यही कहना है कि पहले बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों को पढ़ा तो देंगे पर बचाएं किससे? हर गली हर नुक्कड़ पे दरिंदे बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी है जो इस अपराध में शामिल है, मौलवी है, चाहे उनके साथ वो जो 4 बंदे हैं, बालिक हो या नाबालिग हो, सबको फांसी की सजा सुनाई जाए। सबके साथ कोई भी उनके साथ हलीमी नहीं बरती जाए, सबको फांसी की सजा सुनाई जाए, कड़ी से कड़ी। सर, जैसे आप लोग ये कैंडल मार्च निकाले, शाहबाज खान को फांसी दो, गीता को इंसाफ दो, तो क्या मैसेज आप देश के लिए छोड़ना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत हमारे हिंदू धर्म और हिंदुत्व राज की देश है। इस देश में सारे वर्ग की जाति रहते हैं और इस देश में हमारी बहू बेटियों की माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में को दर्जा दिया जाता है, और उसी माँ काली और माँ दुर्गा के साथ इस दरिंदों ने अपने पैरे तले कुचल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों को चौराहे पर लाकर सरेआम फांसी देना चाहिए, और ताकि दोबारा कोई ऐसा हरकत न करे कि हमारा बहन बेटी सेफ रहे और उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार न करे, न कोई बलात्कार करे। एक बार करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे दरिंदों राक्षस को जड़ से उखाड़ दिया जाए, ताकि आगे कोई ऐसा मौलवी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, हमारे बहन बेटी को तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। जय हिंद, जय भारत। भाई रुक, लगाइए एक लाइन से।
हमारी गीता बेटी को, समाज को, गीता को, समाज को, गीता बेटी को, समाज खान को, गीता बेटी को, समाज खान को। जैसे हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश चंद यादव जी है और उनकी मिसिज है सुनीता देवी जो कापासेड़ा से चुनाव लड़ चुकी है निगम पार्षद का। सुरेंद्र रावत जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वे भी साथ में आए, कैंडल मार्च निकाला। तो हम सुरेंद्र जी से बात करते हैं। सर, जो ये आपने कैंडल मार्च निकाला तो क्या मैसेज आप देशवासियों को देना चाहें? देखिए, देशवासियों को इसमें हमारा मैसेज है कि कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो एक समाज के प्रति बुराई है, समाज के प्रति दोष है। एक तथाकथित लोगों के द्वारा, एक माहौल बनाने के द्वारा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी या हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। हम नहीं मानते जो भी गलत काम करने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पर एक के लिए पूरा देश इकट्ठा हो जाए और एक बच्ची जिसको चार दिन तक मदरसे में रखा जाता है, नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद भी जन आक्रोश के कारण उसके अरेस्ट किया जाता है और तथाकथित मौलवी को कल अरेस्ट किया गया है। पर सरकार की इसमें सफलता यह है कि 376 ए और बी के धारा तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके अंदर सजा फांसी की काउंट होती है। तो हमारा उद्देश्य समाज को जागरूक करना और बताना, हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। इसके अंदर प्रशासन के साथ साथ समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए रमेश जी और सुनीता जी के नेतृत्व में आज ये मार्च निकाला गया कि समाज के अंदर ये भावना जाए कि हर किसी व्यक्ति का बच्चा, हर किसी व्यक्ति की बच्ची सबके लिए एक समान है। हमारा यही मात्र उद्देश्य है। एक अच्छा मैडम, जैसे आप लोगों ने कापासेड़ा में, पूरे कापासेड़ा में घूम के कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद जो शिव मंदिर है कापासेड़ा का, यहाँ पे कैंडल आपने जलाए, तो कैंडल जला के क्या मैसेज आप लोगों ने? हम यही मैसेज देते हैं कि हम अपनी माताएं बहनों को कि आप खुद पर निर्भर हो, किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जेंट्स का सहारा मत लो, अपना खुद से अपना सहारा बनो और अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, सबको यही सिखाओ कि अपना सहारा खुद बनो, इतने मजबूत बन जाओ कि कोई राक्षस सामने आए किसी से मत डरो। सर, जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया लोगों को जागरूक करने के लिए, कैंडल मार्च निकाला कापासेड़ा में जो बिजवासन विधानसभा आती है, तो देशवासियों को आगे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने देशवासियों को यही मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं, अगर या तो इस ऐसी घटना को रोक लग जाए और नहीं हम आगे और भी कार्रवाई बढ़ाएंगे अपनी अपनी तरफ से। हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरना पे भी करेंगे, या इनको फांसी सजा नहीं मिली है, कोर्ट को भी आग्रह करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी हम अपने आग्रह करेंगे भाई इनको फांसी जरूर दी जाए, जो ऐसी घटना पर रोक लग जाए। थैंक यू। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, रमेश चंद जी हैं और सुनीता देवी जी हैं, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और शिव मंदिर में यहाँ कैंडल लगा के मैसेज दिया कि जागरूक हो जाओ सभी, जो बेटी है या लेडीज है जो भी है, कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग बने,